नमस्ते, मैं प्रीति, मेरी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पिज्जा बेस बनाना बता रही हूँ। जब भी हमें पिज्जा घर में बनाना होता है तो बेस हमें मार्केट से लाना पड़ता है, लेकिन आज मैं आपको घर पर ही आसानी से दो तरीकों से पिज्जा बेस बनाना बता रही हूँ। तो आइए देखें वो दो तरीके क्या हैं और हमें पिज्जा बेस बनाने के लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। पिज्जा बेस बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम मैदा, 1 चम्मच ड्राई ईस्ट, 1 छोटा चम्मच चीनी, 1 चम्मच तेल, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। सबसे पहले हम ड्राई ईस्ट को एक्टिव होने के लिए रखेंगे। इसके लिए हम एक बाउल लेंगे या आप एक कप भी ले सकते हैं। उसमें हम चीनी डालेंगे, ड्राई ईस्ट डालेंगे। अब इसमें हम 1/4 कप हल्का गर्म पानी यानी गुनगुना पानी इसमें हम डालेंगे। इसे अच्छे से मिला देंगे। चीनी अच्छे से मिल गई है। अब इसे हम ढक करके 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, ड्राई ईस्ट एक्टिव हो गया है। अब हम पिज्जा बेस का डो तैयार करते हैं। मैदे में हम बेकिंग पाउडर डालेंगे, बेकिंग सोडा डालेंगे, ऑयल डाल देंगे यानी कि तेल। एक्टिव जो हमने ईस्ट को एक्टिव कर दिया था उसे भी हम इसमें डाल देंगे। अब सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। सभी चीजें अच्छे से मिल गई हैं। अब इसे हम गर्म पानी से गूथेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी है ये, थोड़ा थोड़ा सा इसमें हम पानी डालते जाएंगे और इसका हमें सॉफ्ट डो तैयार करना है। पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालना है। देखिए बहुत ही सॉफ्ट डो है। अब हाथ में हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगाने के बाद इसे हमें 2 मिनट तक खूब अच्छे से मसल मसल करके गूथना है। देखिए डो हमारा बहुत ही सॉफ्ट हो गया है और चिकना भी हो गया है। अब इसे हम इस तरह से अंदर करते हुए गूथ लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ऊपर से। और इसे ढक करके अब हम 2 घंटे के लिए रख देंगे जिससे कि ये सेट हो जाएगा। 2 घंटे हो गए हैं, डो को हम चेक कर लेंगे। देखिए बहुत अच्छे से ये फूल गया है। अब हाथ में हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इसे हम फिर से 1 मिनट तक अच्छे से मसल करके गूथ लेंगे। बिल्कुल इसको हमने चिकना कर लिया है। देखिए इस तरह से दबा रहे हैं तो आटा अपने आप ऊपर के आ रहा है। अब इसे हम बराबर 3 भागों में इसको हम बांट लेंगे। और इस तरह से अंदर की तरफ करते हुए इस तरह से गोल कर लेंगे। लोई हमारी तैयार हो गई है। अब हम चलते हैं बेलने के लिए इसको। देखिए इस तरह से अब हम एक लोई लेंगे बेलने के लिए और बाकी लोई को हम ढक करके ही रखेंगे जिससे कि वो सूखे नहीं। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सूखा मैदा लगा लेंगे। और बहुत ही हल्के हाथ से इसे हम बेलेंगे। इसे हमें बहुत पतला नहीं बेलना है, थोड़ा मोटा ही रखना है।
देखिए इस तरह से हम बेल लेंगे। वैसे तो ये गोल बिला हुआ है, आप चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन एकदम परफेक्ट साइज देने के लिए हम इस तरह का कोई भी ढक्कन ले सकते हैं और उससे इसको कट कर लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा इसका निकला है तो हम हटा देंगे। ये देखिए एकदम गोल बेस हमारा बन करके तैयार है। अब इसके ऊपर हम ये फूले नहीं, इसके लिए हम फोक से इस तरह से इसमें छेद कर देंगे। इस तरह से हमने इसमें छेद कर लिया है। आज मैं आपको दो तरीके से पिज्जा बेस घर पर बनाना बता रही हूँ, जिसमें कि पहला तरीका है बिना ओवन के इसे हम कैसे बनाएं। बिना ओवन के यानी कि इसे हम गैस पर बनाएंगे, तो आइए चलते हैं इसे गैस पर बनाने। गैस पर पिज्जा बेस हम पैन में बनाएंगे, इसके लिए मैंने एक पैन लिया है। गैस की आंच को बिल्कुल धीमा कर देंगे और इसके ऊपर एक हम बटर पेपर रखेंगे। इसे हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब इसके ऊपर जो पिज्जा बेस हमने बेल करके रखा था वो हम इसमें डाल देंगे इस तरह से, और इसे हम ढक देंगे। गैस की आंच को बिल्कुल धीमा रखेंगे और धीमी आंच पर इसे हम 2 से 3 मिनट तक पहले पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं हम पिज्जा बेस कैसा है। देखिए बहुत ही अच्छा ये फूला है, इसे हम पलट करके भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए अच्छे से बन गया है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। गैस को हम बंद कर देते हैं। अब फिर से हम एक लोई बेल करके तैयार कर लेंगे। देखिए इसे हमने बेल करके तैयार कर लिया है। अब इसे हम ओवन में बनाएंगे, तो ओवन में बनाने के लिए हम ओवन वाली ट्रे लेंगे और इसमें हम ये जो हमने बेस बनाया था इसे हम इस तरह से रख देंगे। इसे हमें ओवन पे 180 डिग्री टेम्परेचर पे 5 मिनट के लिए रखना है। 5 मिनट बाद इसे हमने ओवन से निकाल लिया है। देखिए पिज्जा बेस बिल्कुल तैयार हो गया है। तो देखिए गैस और ओवन दोनों से ही पिज्जा बेस बनकर के तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आने वाली रेसिपीज की जानकारी के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर कीजिए। थैंक यू।